सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर नॉलेज को। हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें इस बेल आइकन पर और पाएं लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रैक्टर नॉलेज में। मैं सुखदेव सिंह निकू आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से हमें कैसे डीजल की बचत हो सकती है। तो देखते रहिए इस वीडियो के साथ ट्रैक्टर नॉलेज में। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर दोस्तों, एक जो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर हो, किसी भी कितनी भी हॉर्स पावर का उसमें इंजन ही क्यों ना हो, कितना भी बेहतर ट्रैक्टर क्यों ना हो, हमेशा ट्रैक्टर दो कंडीशन में फेल हो जाते हैं। या तो ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग कर जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सामने से उठ जाए तो हमें क्लच लेना पड़ता है, या ट्रैक्टर स्लिपेज कर जाए लोड पे तो उसकी सारी की सारी पावर लॉस हो जाती है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए जन्म लिया एक ऐसे ट्रैक्टर ने जिसको हम फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर इन दोनों समस्याओं को ख़त्म करता है। फ्रंट लिफ्ट नहीं हो सकता ट्रैक्टर में, क्योंकि फ्रंट लिफ्ट होने का कोई चांस नहीं होता कि उसका फ्रंट का जो हिस्सा होता है और जो ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा होता है उसका जो वेट होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बैलेंस वेट के साथ होता है, फ्रंट लिफ्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी बड़ी बात स्लिपेज की जो मैंने बताई, तो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के दो ही पहियों में ट्रैक्शन होता है, लेकिन फोर व्हील ड्राइव का जो ट्रैक्टर होता है उसके चारों पहियों में जब वो ट्रैक्शन होता है तो वो जो स्लिपेज की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। उदाहरण के तौर पे हम ये समझ लें कि जब ट्रॉली फंसती है तो हमें दो ट्रैक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। हम टू चैन करके दो ट्रैक्टरों को जोड़ के ट्रॉली को निकालते हैं, मतलब उस वक्त हमें ज़रूरत होती है चार ऐसे पहियों की जो ट्रैक्शन दें। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, हमें दो ट्रैक्टर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमें एक ही ट्रैक्टर में चारों टायर मिलते हैं ट्रैक्शन वाले, तो वहाँ पे दो की प्रॉब्लम ख़त्म होके एक ही ट्रैक्टर में आपको इतनी सारी पावर मिल जाती है और आपका काम आसानी से हो जाता है। ये है दोस्तों बेनिफिट फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम समझें कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का क्या फ़ायदा है। जैसे एक इंसान अगर एक पेड़ पर चढ़ता है तो उसको कुछ वक्त लगता है, कारण कि उसके सिर्फ हाथों में ही पकड़ है, डाल को पकड़ने के लिए उसके सिर्फ हाथ काम करते हैं। अगर उसी पेड़ पे एक बंदर चढ़ता है तो वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा ऊपर ऊंचाई तक चढ़ता है। और इसका एग्जांपल देने का मतलब है कि बंदर के दो नहीं बल्कि हाथों और पैरों में चारों में पकड़ है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी ऐसा ही है। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हम इंसान की तरफ समझ लें और फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को एक बंदर की तरफ समझ लें कि उसके चारों पहियों में, उसके चारों टायर्स में ट्रैक्शन है और वो खींचने की क्षमता जो है वो ज़्यादा रखता है। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर कोई भी हो, ट्रैक्टर हमेशा दो कंडीशन में फेल हो जाता है, चाहे वो कितनी भी हॉर्स पावर का क्यों ना हो। अगर आपका ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सामने से उठ गया, तो आपको एक मजबूरी हो जाती है क्लच लेना, ट्रैक्टर फेल है। अगर ट्रैक्टर स्लिपेज करना शुरू हो गया, आपका ट्रैक्टर चाहे 90 HP का क्यों ना हो, अगर आपका ट्रैक्टर लोड पे स्लिप कर गया तो उसकी सारी की सारी पावर लॉस है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर इन दोनों बातों का खंडन करता है। जैसे कि वो फ्रंट से इतना हैवी होता है कि वो फ्रंट लिफ्टिंग नहीं करता, और दूसरी बात है दोस्तों, अगर वो फ्रंट लिफ्टिंग नहीं करता और उसके साथ ही साथ उसमें ट्रैक्शन चारों टायरों में होने की वजह से जो उसकी स्लिपेज की जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी, स्लिपेज होने पे ट्रैक्टर फेल होता है, तो वो स्लिपेज नहीं करता क्योंकि उसके जो टायर चारे टायरों में ट्रैक्शन होता है, ज़मीन के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ होती है। सो दोस्तों, ये बेनिफिट है इसका। अब दूसरा फ़ायदा सुनते हैं हम फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। देखिए दोस्तों, एक फोर व्हील ड्राइव एक ऐसा ट्रैक्टर है जो मैंने बताया स्लिपेज सबसे कम होती है इसमें। अब सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अगर हम बात करें फील्ड एप्लीकेशन की, तो सबसे ज़्यादा स्लिपेज की प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दोस्तों? जब हम पडलिंग करते हैं, मतलब धान की रोपाई के लिए जब खेत को तैयार किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्लिपेज उस वक्त होती है क्योंकि हमारा ट्रैक्टर जो होता है वो कीचड़ में चल रहा होता है। तो कीचड़ में आप जब चलते हुए ट्रैक्टर को देखते हैं पडलिंग में, चाहे टायर नया ही क्यों ना हो, वो करीब करीब 30% तक वो स्लिपेज करता है। अब सोचने वाली बात है कि इंजन ने पावर को जनरेट किया, उसमें डीजल हमारा खर्च होता है,
डीजल ने ऊर्जा देके उस व्हील को घुमाने का जो काम था वो उसने अपना परफेक्टली तौर पे कर दिया। लेकिन हमारा टायर जो है वो 30% अगर वो स्लिपेज में चला गया तो मतलब हमारा जो डीजल है वो तो खर्च हो गया। ट्रैक्टर को जितना आगे बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ सका, उसकी जो पावर थी वो स्लिपेज में वेस्ट हो गई। अब टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में तो ये प्रॉब्लम है। अब फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के जब चारों पहियों में ट्रैक्शन होता है तो वो स्लिपेज कम होके करीब करीब 5-7% तक ही रह जाती है। मतलब अगर एक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पडलिंग में चल रहा है और एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पडलिंग में चल रहा है तो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सेम एचपी का हो चाहे वो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की अपेक्षा ज़्यादा आगे जाएगा सेम एप्लीकेशन पे और डीजल को बचाएगा, क्योंकि वो जितना डीजल कंज्यूम कर रहा है ट्रैक्टर उसकी वो ऊर्जा जितनी बन रही है वो सारी की सारी आपको यूज़ में आ रही है। तो ये है फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का बेनिफिट पडलिंग में। एक एग्जांपल और देता हूँ दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि जब हॉलेज पे हॉलेज की अगर हम बात करें, जब ढुलाई की बात करते हैं ट्रॉली पे, तो जब कभी हमारे ट्रैक्टर में ओवरलोड हो जाता है तो ट्रैक्टर स्लिपेज करने लगता है, टू व्हील ड्राइव की बात करें तो उस कंडीशन में हम टू चैन करते हैं एक और ट्रैक्टर को, दो ट्रैक्टरों को जोड़ के एक ही ट्रॉली से हम उसको एक ही ट्रॉली को बाहर निकालते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें ट्रैक्शन टायर जो ताकत लगाने वाले पहिए हमें चार चाहिए होते हैं, इसलिए हम दो ट्रैक्टरों को जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस ट्रैक्टर के फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के चारों टायरों में ट्रैक्शन होता है, इसका बेनिफिट होता है कि आप इसको ईजिली वो चारों के चारों पहिए जब जोड़ लगाएंगे तो आपका ट्रैक्टर बहुत आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों छोटी सी एक शॉर्ट क्लिप वीडियो देखते हैं टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का कवरेज का, जो मैंने आपको बताया कि कवरेज उसकी कैसे ज़्यादा होती है, तो एक शॉर्ट क्लिप में इसको हम देखते हैं। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर सिर्फ पिछले दो पहियों में होती है, जिसके कारण ऊबड़ खाबड़ रास्तों में या फिर ज्यादा लोड पर ट्रैक्टर स्लिप मारता है और आगे से उठ भी जाता है, जिससे ड्राइवर की जान को भी खतरा होता है। मगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में अगर पीछे के टायर खड्डे में फंस जाते हैं तो आगे के टायरों में पावर होने की वजह से पूरा जोर लगाता है, जिससे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है। और इसका कारण है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में पावर चारों पहियों में बराबर जाती है, जिससे ट्रैक्टर की जमीन पर ज्यादा पकड़ होती है और ट्रैक्टर की लोड खींचने की ताकत 15-20% बढ़ जाती है और इंजन से मिलने वाली पावर का हम पूरा इस्तेमाल कर पाते। कोई भी 60 हॉर्स पावर का टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो इम्प्लीमेंट चलाता है फार्म ट्रैक का 50 हॉर्स पावर का 4x4 ट्रैक्टर, उससे बड़ा इम्प्लीमेंट बड़ी आसानी से चला सकता है। अगर दोनों का एक घंटे का खेत में काम देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने किया 3.51 एकड़ और फार्म ट्रैक 60-50 4x4 ने किया 4.258 एकड़, जो कि लगभग 10-15% ज्यादा काम है। और अगर तेल की खपत को देखें तो 60 हॉर्स पावर के टू व्हील ड्राइव ने लिया 1 एकड़ में 1.75 लीटर और 4x4 ने लिया 1 एकड़ में 1.5 लीटर। अगर 1 साल या 1000 घंटे का काम देखें तो 60-50 4x4 लगभग 20% ज्यादा काम कर रहा है और 15% तेल की बचत है, जो कुल मिलाकर 1 साल में 65,000 रुपए की तेल की ही बचत है। आगे वाले पहियों में पावर होने के कारण ये ट्रैक्टर स्टीयरिंग से ही टू व्हील ड्राइव के मुकाबले ज्यादा आसानी से कम जगह में मोड़ काट लेता है, जबकि टू व्हील ड्राइव में वही मोड़ ब्रेक लगा के लिया जाता है, वरना मोड़ और बड़ा भी हो जाता है। ये वीडियो और समझा कि फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर में क्या बेनिफिट है और ये कैसे वर्क करता है और किस तरीके से ये कम समय में ज़्यादा काम करता है, डीजल की बचत कैसे करता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे और बहुत कुछ इस हमारी एक नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पे, और कुछ ट्रैक्टर्स का रिव्यू भी हम करेंगे फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स का, जिसको आपको बेसब्री से बड़ा इंतज़ार रहता है रिव्यू का। और फाइनली दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए कि ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहेगी सबसे पहले। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड बाय।
सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर नॉलेज को। हर नई वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए क्लिक करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट।